को बाप कौन है सन में रहे। माँ कहते यो बाप है, वही बाप है जो माँ बताती है कि बच्चे तेरे पिता ये है, वही पिता होते हैं। तो पता नहीं बहुत सूखे लोगों के पर्दे घट जाएंगे, पता नहीं कौन किसका बच्चा है, सबका करा लेना। लाल जी और एसटीएम और कुछ प्रशासन और पुलिस और प्रशासन के नुमाइंदे, उन्होंने बात करने की डेलीगेशन से मिलने की इच्छा की है। तो कहा कि भाई साहब अभी बात कर दो, आपकी क्या क्या बातें हैं। तो मैं धरना ऊपर जितने भी लोग बैठे हैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अभी हम कूच करेंगे थाने की तरफ, उससे पहले एक बार प्रशासन का बातचीत का न्यूनता है तो आप सारे लोगों की राय है, तो उसे एक डेलीगेशन को मिलने दिया जाए या नहीं। भाई मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो इसके अंदर 5 आदमियों का 7 आदमियों का एक डेलीगेशन जाए, और वो डेलीगेशन जाके जो हमारी जो मांगे हैं, जो हमारी प्रशासन से डिमांड है कि साहब इस बच्चे को न्याय मिले, इसकी जो जो है उनके ऊपर चर्चा कर ले। रहा सवाल रात को, एक रात भर से एक प्रयास किया जा रहा है, एक तरफ तो बातचीत की जा रही है, दूसरी तरफ इस तरीके से आंदोलन को भरभीत करने की कोशिश की जा रही है कि साहब ये महिला यहाँ की है, ये महिला वहां की है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये डीएनए टेस्ट का मामला नहीं है। डीएनए टेस्ट होगा तो पता नहीं बहुत सूखे लोगों के पर्दे उखड़ जाएंगे, पता नहीं कौन किसका बच्चा है, सबका करा लेना। उस बच्चे का डीएनए कराएंगे और उसका डीएनए कराएंगे, उसकी माँ है आज, उसके गार्जन है आज, उसके गार्जन यहाँ बैठे, यह है जनता, यह गार्जन निखिल की। और डीएनए की बात मैं खाता हूं, मैं भाई और बीरबानी कहती देखी सही केवल करता की लुगाई कटे जाए, कहते लुगाई अठी नहीं जाऊंगी तो बठी जा रही है। आज ठीक ठीक न्याय मांग रही है कि मैंने कठा सु 30 रुपए लिया, क्या ले जाए इन चीजों से जनता को है कि जो बच्चे के साथ जो हादसा हुआ उस मामले में न्याय मिले। कठासु मध्य प्रदेश से किन पकड़ के लाया है, इनकी को बाप है, इनकी की काकी है, इनके है। अरे डीएनए कराऊंगा ना बोला कौन जाएगा, किको बाप कौन है सन में रह गए। माँ कहते यो बाप है, वही बाप है जो माँ बताती है कि बच्चे तेरे पिता ये है, वही पिता होते हैं। सबको सबकी माँ ने बताया ये तेरा पिता, बच्चा जिंदगी भर उसी को पिता बोलता है।